Hello students, how are you? So we were discussing the chapter Happy Prince. Let's continue the story. Dear Prince, said the swallow, I cannot do that. And he began to weep. Earlier हमने पढ़ा था कि जो हैप्पी प्रिंस था उसने लिटिल स्वैलो से कहा कि वो वन नाइट और उसके साथ स्टे करे और जो वो एक प्ले राइट देख रहा है फार अवे अक्रॉस द सिटी वो उसको हेल्प करना चाहता था तो स्वैलो ने उसकी इस बात पर कहा कि डियर प्रिंस आई कैन नॉट डू दैट मैं ऐसा नहीं कर सकता एंड बिगन टू वीप रोने लगा स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू तो प्रिंस ने कहा कि लिटिल स्वैलो तुम जैसे मैं तुम्हें कमांड करता हूँ जैसे मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ तुम बिल्कुल वैसे ही करो सो द स्वैलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट तो इस तरह से स्वैलो ने उसकी बात मानी एक प्रिंस का ऑर्डर उसने लिया और उसकी एक आँख से वो उसने जो सफायर लगा था उसको निकाला और यंग मैन के गैरेट की तरफ वो उड़ गया इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देर वॉज अ होल इन द रूफ तो जो वो उसके जब घर पर पहुंचा, तो उसके घर में अंदर जाना बहुत ईजी था क्योंकि रूफ में एक हॉल बना हुआ था थ्रू दिस ही डायरेक्टेड एंड केम इन टू द रूम तो उस छेद के थ्रू वो अंदर घुस गया और उसके रूम में पहुंच गया द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स अब जो यंग मैन था वो अपने सिर को अपने हाथों के बीच में दबाए हुए बैठा हुआ था ऐसे बैठ जाते हैं जैसे डिप्रेस्ड होकर या बहुत ही उदास होकर सैड होकर अपना सिर अपनी हथेलियों के बीच में रखकर वो बैठा हुआ था तो इसलिए उसको उसके पंखों की जो फ्लटरिंग की आवाज़ थी फड़फड़ाने की जो आवाज़ थी वो सुनाई नहीं दी एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स और जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि जो मुरझाए हुए फूल थे उनके बीच में एक बहुत ही सुंदर सफायर नीलमणि पड़ी हुई थी I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play and he looked quite happy. तो उस वो बहुत चीखते हुए बोला कि I am beginning to be appreciated, कि मेरी प्रशंसा होने लगी है और जरूर ये किसी प्रशंसक ने ही किसी admirer ने ही भेजा होगा अब मैं अपना play finish कर सकता हूँ and he looked quite happy और वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था The next day, the swallow flew down to the harbor. Next day, जो swallow था वो harbor की तरफ उड़ कर गया Harbor क्या होता है जो अब जो बंदरगाह होता है जहाँ पर ship कस्टिंग जो होता है उसको harbor कहते हैं He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. तो वो एक लार्ज वेसल की ऊपर मास्ट पर जो टॉप मोस्ट पार्ट था उस पर बैठ गया और सेलर्स को काम करते हुए देखने लगा आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वैलो तो स्वैलो चिल्लाते हुए बोला कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ बट नोबडी माइंडेड लेकिन किसी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस और जब चांद निकला तो वह वापस हैप्पी प्रिंस के पास गया I have come to bid you goodbye, he cried. और चिल्लाते हुए उसको बोला कि मैं तुमको फेयरवेल तुमसे फेयरवेल लेने आया हूँ तुमको गुड बाय बोलने आया हूँ स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सैड द प्रिंस विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लोंगर अब हैप्पी प्रिंस ने उसको फिर से बोला कि लिटिल स्वैलो क्या तुम मेरे साथ एक नाइट और नहीं रुकोगे इट्स विंटर आंसर द स्वैलो स्वैलो ने कहा कि नहीं बहुत सर्दी है एंड द स्नो विल सून बी हियर और जल्दी ही यहाँ पर बर्फ पड़ने लगेगी इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट दैम तो उसने कहा कि इजिप्ट में जो सन होता है सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज कि हरे हरे जो पाम के पेड़ होते हैं
पाम के पेड़ कौन से होते हैं? जो ताड़ के वृक्ष होते हैं। ताड़ के पेड़ों में बहुत गर्माहट, वहाँ पर सनरेज जब आती हैं तो बहुत गर्माहट होती है। और क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो कीचड़ में पड़े रहते हैं और बहुत ही लेजीली वहाँ पर वो धूप का आनंद लेते हैं। इन द स्क्वेयर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल, शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर एंड दे ओवर ऑल स्पॉइल्ड। अब हैप्पी प्रिंस ने कहा इन द स्क्वेयर बिलो कि नीचे जो बेस बना हुआ है वहाँ पर देखो, एक छोटी लड़की है, मैच गर्ल है, एक माचिस वाली छोटी लड़की है और उसकी सारी माचिस गटर में गिर गई हैं और वो सारी स्पॉइल्ड हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी। उसके फादर उसकी पिटाई करेंगे अगर वो घर पर कुछ पैसे लेकर नहीं गई। एंड शी इज़ क्राइंग, और वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स, उसके पास ना शूज़ हैं ना स्टॉकिंग्स हैं। स्टॉकिंग्स मतलब जो बहुत ही थिन वाली जो सॉक्स होती हैं। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और उसका छोटा सा सिर भी विदाउट कैप है। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर, कि मेरी दूसरी आँख भी निकालो और ले जाकर उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, और फिर उसके फादर उसको नहीं मारेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लोंगर सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। अब जो लिटिल स्वेलो था वो इस बात से तो एग्री हो गया कि वो उसके साथ रुक सकता है, लेकिन उसने मना कर दिया कि वो उसकी दूसरी आँख नहीं निकालेगा क्योंकि वो बिल्कुल अंधा हो जाएगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अब प्रिंस ने उसको कमांड दी, उसको ऑर्डर दिया कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सो ही प्लक्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डायरेक्टली डाउन विद इट, इसलिए उसने प्रिंस की दूसरी आंख निकाली और उसको निकाल कर वो स्वूप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। वो नीचे उड़ गया और जहाँ पर वो मैच गर्ल थी उसके पास से होकर निकला, स्वूप पास में उसके बराबर से निकला, और जो उसके जो उसकी बीक में वो दूसरी नीलमणि थी, सफायर था, वो ज्वेल उसकी छोटी हथेली पर स्लिप कर दिया। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, क्राइड द लिटिल गर्ल एंड शी रेन होम लाफिंग। अब जो वो छोटी लड़की थी वो बहुत खुश हुई उसको देखकर और बोली कि कितना सुंदर छोटा सा ग्लास है, और दौड़ती हुई हंसती हुई वो अपने घर की तरफ चली गई। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ, ही सेड सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। वापस उसके पास आकर बोला कि अब तुम बिल्कुल अंधे हो गए हो, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, कि नहीं तुम्हें इजिप्ट वापस चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट। वो बोला कि नहीं, वो हमेशा उसी के साथ रहेगा, और इतना कहकर वो उसी के पैरों में सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। नेक्स्ट डे वो पूरा दिन प्रिंस के कंधे पर बैठा रहा और उसको स्टोरीज बताता रहा जो कुछ भी उसने उस स्ट्रेंज लैंड पर देखा था, जो कुछ भी उसने वहाँ पर अलग अलग चीज़ों को देखा था, वो सब सारी स्टोरीज वो प्रिंस को बताता रहा। डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमन। देयर इज नो मिस्ट्री टू ग्रेट एज मिजरी, फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। अब प्रिंस ने कहा लिटिल स्वेलो जो कुछ भी तुमने मुझे बताया वो बहुत ही मार्वेलस थिंग्स थी, बहुत ही ग्रैंड शानदार थिंग थी, बट सबसे ज़्यादा जो मार्वेलस थिंग थी वो मैन एंड वुमन का जो स्टोरी उसने सुनाई, उनकी जो सफरिंग थी उनके बारे में जो बताया वो थी। किन्हीं मैन और वीमन की जो स्टोरी उसने सुनाई
उनकी सफरिंग्स सबसे ज़्यादा मैरवेलस थी। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। वो कहता है कि जो गरीबी होती है, गरीबी से ज़्यादा बड़ा कोई रहस्य, कोई सीक्रेट नहीं होता। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरी सिटी में के ऊपर से उड़कर जाओ लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। और फिर वहाँ जाकर देखो कि तुम क्या देखते हो और आकर तुम मुझे बताओ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।